नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वास्तिक पेट शॉप से। आज हमारे पास एक न्यू कस्टमर आए हुए हैं जो कि कहां से आए हैं और कैसे आए हैं यहां पे और कौन सा पपी लेने के लिए आए हैं, तो चलिए उनसे मिलाते हैं हम आपको। नमस्कार भैया, आवाज क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, आप दोनों तीनों भाई नहीं है क्या? नाम से तो लग रहा था। आपका एड्रेस क्या हुआ भैया? एड्रेस हमारा हुआ खेमनीचक। पूरा एड्रेस था बताएंगे मेरे भैया दोस्तों? खेमनीचक नया चक। अच्छा, नया गांव, जो नया चक जो गांव है वो। अच्छा, कन्नौजी। अच्छा, तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला भैया? हम यहाँ के बारे में, जैसे संजीव के यहाँ यूट्यूबर, उन्हीं के वीडियो के थ्रू हम यहाँ पे आए। अच्छा, वो अच्छा जो ब्लॉगर मिला जो बनाए थे वो उन्हीं के बारे में वो वीडियो शूट किए थे। अच्छा, तो यहाँ पे जो बच्चा लेने के लिए आया, तो वो बच्चा के लिए आपने क्या किया यहाँ पे आके? तो कैसे बातचीत हुआ, क्या बच्चा लेने में आपने क्या किया, मेरे व्यूअर्स को बताएंगे? यहाँ पे जैसे कि हम लोग आए, तो पहले तो हमने कोई जैसे ब्लैक डॉग चाहिए था, कोई भी पपी था, पर यहाँ पे हम लोग आए तो आपने हमें ब्लैक जर्मन के बारे में कुछ बातें बताई, जिससे कि हमें ब्लैक जर्मन का शौक हुआ। और घर पर भी बोला गया था कि ब्लैक जर्मन ही चाहिए, कोई भी डॉग चाहिए बस ब्लैक रहना चाहिए। तो बस हम लोग फिर यहाँ ब्लैक जर्मन का उसको उसको लेने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया था, कुछ मेरे दोस्त बताइए कि जैसे यहाँ बच्चा लेने के लिए आप कितना दिन पहले आए थे और क्या करके यहाँ से? यहाँ बच्चा लेने के लिए हम तकरीबन आज तो 12 दिन हो चुका है, 12 दिन पहले आए थे। तो उस समय ये बच्चा यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमारे भैया जो है बोले कि आपको हम कहीं से भी अवेलेबल करवा दो। तो आपने कुछ बच्चा जो आपको हम बताए थे कि आपको इतना दिन का समय लिए, 10 दिन का समय लेंगे आपको, उसके लिए कुछ आपने एडवांस वगैरह कुछ भी किया था क्या? हमने किया था, क्या क्या था बताइए थोड़ा। 3,000 का यहाँ एडवांस किया था, बुकिंग किया था डॉग का। जो जो हमने आपको बताया कितना दिन के अंदर वो बच्चा मिल जाएगा आपको अवेलेबल, वो बच्चा उतना दिन के अंदर में अवेलेबल करवाया है, मिला कि नहीं वो चीज़? हाँ हाँ, मिला मिल गया। तो चलिए, तो इनका पपी हम दिखाते हैं आपको कौन सा, ये जर्मन शेफर्ड लेने के लिए ब्लैक में कैसा क्वालिटी है। चलिए तो हम वो पपी आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप, ये जर्मन शेफर्ड का फीमेल पपी है जो कि ब्लैक जर्मन शेफर्ड बोला जाता है, जो रियर मिलता है और गार्ड के तौर में काफ़ी खूबसूरत ये काम करता है और गार्ड डॉग में माना भी जाता है। और ये यूनिक कलर होता है जो कि ब्लैक कलर, इसका कोटिंग वगैरह जो भी देख सकते हैं, जिन लोगों को पता है और क्वालिटी जैसा कैसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स को, वो जरूर कमेंट करके बताएं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसा क्वालिटी लगा। तो चलिए, जिनका पपी है लेने के लिए आए हुए सर, उनका पपी दिया जाए सर। तो आपको जो जैसा बच्चा बताया गया था, दिखाया गया था फोटो वीडियो में, वैसा बच्चा वही बच्चा है या कुछ अलग लगा बच्चा है? क्वालिटी वाइज क्या लगा आपको बच्चा का, वजन वगैरह, क्वालिटी आपकी वगैरह कैसा बच्चा है? बच्चा पसंद आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। बच्चा का कोटिंग वगैरह कैसा, आप जो कोटिंग वगैरह में कलर थे? नहीं। तो चलिए, ये तो आए हुए थे, इनके साथ इनके पिताजी भी आए हुए थे, उनसे भी मिलाते हैं हम आपको। वो बैठे हुए हैं लेकिन आने से डर रहे थे कैमरा में। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? प्रवीण प्रसाद जी। भैया, आपने जो बच्चा हमको उस टाइम जो टोकन मनी आपने देखे वहां देखे गया था, अभी जो बच्चा आपने देखा कैसा लगा बच्चा? शुरू में तो आया था बच्चा क्योंकि ट्रेवल करके लेके आए थे, आज ही बच्चा आया था, उस टाइम थोड़ा बच्चा का क्वालिटी जो है थोड़ा डाउन लग रहा था, तो इनका मुंह जब देखे हम तो उतरा उतरा लग रहा था। तो हम जब बच्चा को उसके टेस्ट किए, कैसा लगा बच्चा आप बताइए? बच्चा क्वालिटी जैसा बनाए वैसा मिला ना, अब खुश है ना, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें? चलिए चलिए, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा, बेल आइकन दबाए हुए रहेगा। और जिन लोगों को लेना है या कुछ भी पूछना है उस संबंधित डॉक है, स्क्रीन पर नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।